इंदौर शहर में प्रशासन लगातार सक्रिय माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई कर रहा है। रेत और गिट्टी की खनिज से जुड़े मामलों को लेकर इंदौर में सबसे ज्यादा कार्रवाई की गई है। इसमें 40 लाख रुपए से ज्यादा का जुर्माना प्रशासन ने अब तक वसूला है। अपर कलेक्टर अभय बेडेकर ने बताया कि देवास, धार, करगोन, बड़वानी इन्हीं जिलों से इंदौर में बालू और रेत का परिवहन किया जाता है। रेत की गाड़ियां लोडिंग करके लाई जाती है, इस पर कार्रवाई भी अब की जा रही है। अब तक 63 गाड़ियों पर कार्रवाई की गई है और कलेक्टर मनीष सिंह के निर्देश पर डबल चौकी में एक चेक पोस्ट भी लगाया गया है और लगातार इन रेत माफियाओं पर नजर रखी जा रही है। तो अभी रेत पे जो बहुत सख्ती करी गई है गवर्नमेंट के द्वारा कि रेत का परिवहन ढंग से हो, ओवरलोड गाड़ियां ना आए और बिना रॉयल्टी के ना आए, तो हम लोग ने पिछले एक महीने भर में लगभग 63-64 गाड़ियां रेत की पकड़ के खड़ी करी हैं, जो कि इस समय प्रदेश में सबसे ज़्यादा है। आज ही जो ईसी हुई है उसमें भी इस चीज़ को वहाँ रिकॉग्नाइज किया गया कि सबसे ज़्यादा गाड़ियाँ हमने पकड़ी हैं और उन पर लगभग 40 लाख रुपये जुर्माना लगा के जुर्माना